प्रेजाइडिंग अफसर साहब 40 मिनट लेट आए, क्योंकि बाद में पता चला था उनको कि इस ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था, सारे जो बेल्ट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला, ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले केले को रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं, उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है, जब साइन करके ही आपने बेल्ट पेपर दिया था काउंसलर को। मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को, क्या हम नहीं समझते, हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो साइन करते हैं जब, तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, वीडियो चलाए, ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है बीजेपी की है, ठीक है, ये देखना, ये कर रहे टिक, उसके बाद साइन किए हैं, देखो दोबारा दिखाई, जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है, ये देखो ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी, ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं, ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है, ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं, ये देखा किसकी है, कोई जेंट मौजूद नहीं है यहां पे, ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना, फिर देख लो करते बाद में, इनको गिनेंगे इकट्ठे, ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे, ये साइन है, इस पर क्यों नहीं किया, अगर अगर साइन का हिस्सा है वो, तो इस पर टिक क्यों नहीं किया, ये भी साइन है बीजेपी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं, वो देख रहे हैं ऐसे कि किसी को पता तो नहीं चला, ये भी रख दिया, और है ना दूसरी, यही है, ओके मैं करके दिखाता हूं। जब आदमी कोई गलत काम कर रहा हो ना, उसकी आंखें और हाथ ऐसे होते हैं, होंठ थोड़े थोड़े कांपते हैं, जैसे सुनील जाखड़ के कांप रहे थे ना, मैंने कहा था ना, हाँ आपके होंठ कांप रहे थे, सही बात हुई ना, फिर झाकी में हमारी फोटो तो नहीं थी ना, मोदी की थी। अब वो साइन करते हैं, पहले जिस बोर्ड को रिजेक्ट कर सिलेक्ट करना है उस पर तो सीधे साइन कर, अब इस बोर्ड को रिजेक्ट करना, ये कौन होते हैं जी, इधर रखने वाले, इधर रखने वाले, यहां पर बीजेपी का और यहां पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का एजेंट क्यों नहीं था, कि मतलब यही समझ रखा है इन्होंने, ऐसे लूट लेंगे फिर हम। ईवीएम पे इलेक्शन होती है, जो विधानसभा या लोकसभा की, जब ईवीएम की वोटिंग खत्म हो जाती है 5 बजे 5:30 6 बजे, तो सील लगती है, एजेंट के साइन होते हैं, इस ईवीएम में 1322 वोट हैं, ऐसे लिखा जाता है। जब काउंटिंग डे पर उस मशीन को निकाला जाता है, तब भी एजेंट बैठे होते हैं, जाली लगी होती है, को दिखाया जाता है ये वाली मशीन है, तो एजेंट के पास लिखा होता है कि जी इसमें 1322 वोट हैं, जी बिल्कुल, फिर खोला जाता है, उसको ऑन किया जाता है, सबसे पहले वो टोटल दिखाती है ईवीएम 1322, फिर कहते हैं हाँ जी, फिर वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, फिर जितना मर्जी हो जाए। ये कौन होते हैं जी, क्या क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना, उनके 16 हमारे 12 8 कैंसल, उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता, हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी, इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना, 2 इस साल कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता है। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज, और कौन है ये, अनिल मसीह, ये बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के हेड हैं, अपने ऑफिस बीयर को प्रेजाइडिंग अफसर बनाया, और मुझे आज पता चला
18 तारीख को इन्होंने क्या कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आ नहीं सकता हूं। आज मुझे बिल्कुल पता चल गया, बिल्कुल सही था, असल में इनकी रीढ़ की हड्डी थी ही नहीं, स्पाइनलेस, स्पाइन तो थी नहीं ना। अगर स्पाइन होती तो अच्छे तरीके से गिनते ना। ऊपर से आया जो ऑर्डर वो लिख दिया। और तरीका देखो आप देखने का, एक बार फिर दिखा दो। आप लोग तो हर रोज यही चीजें पकड़ते रहते हो। ये देखो, ये देख लिया इन्होंने, ये तो इनकी है, इधर रख दो। उसने कहा इधर रख दो, ना इधर भी नहीं रखते, इधर ही रख। एक और आएगा इसमें, ये देख लो तुम, उधर रख दो, ये भी इधर ही रख दो, ये एक हमारी तरफ से इधर रखेंगे, ये भी उधर ही रख दो, ये इधर रख दो। उसने कहा ये इस पे देखना, इधर रख दो ये वाली, हाँ इधर पहले वाली, पहले वाली इधर रख दो, हाँ ये वाली इधर रख दो। चलो हद है यार, हद है ये देश में लोकतंत्र की। जेपी नड्डा साहब ने बधाई दे दी जैसे बिहार में दी थी, कि क्या बात है, क्या 36 वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है। भाई साहब 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे, 90 करोड़ वोट गिनने में कितना घोटाला होगा। अगर देखो बहुत सी विरोध विपक्ष की पार्टियां हैं जो बेल्ट पेपर की मांग कर रही हैं, तो बेल्ट पेपर ऐसे गिने जाया करेंगे, फिर वे तो बेल्ट पेपर लेके भाग जाया करेंगे। तो मैं मांग करता हूं इस बंदे पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। इसने जनतंत्र की हत्या की है, वो भी उसी महीने में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का दिन मना रहे थे। इस पर पर्चा होना चाहिए कि कैसे इसने विदाउट इन्फॉर्मिंग द एजेंट्स, बुलाए भी नहीं, पिछली बार बुलाए थे, इस बार तो एजेंट भी नहीं बुलाए। और इनकी 16 की 16, क्योंकि डिप्टी मेयर में दोनों पार्टियों ने, हमारी पार्टियों ने बाइकाट कर दिया, तो उनकी 16 ही थी, इसका मतलब उनके तो 16 ही थे। 8 कटे हैं, हमारे कटे हैं, 15 टोटल, 15 वाले विपक्ष में, 20 वाले विपक्ष में, 15 वाले भाई साहब मेयर। समझ ये नहीं आती, एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई विपक्षी पार्टी जीत जाए, तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा। चिंता मुझे इस बात की है, इज दिस ए डेमोक्रेसी, क्या ये दिखेगा नहीं। कोर्ट में जाएंगे दिखाएंगे, कैमरे तो कोर्ट नहीं लगवाए थे, वो देखेंगे, जज साहबान बेंच देखेगा कि ऐसे होता है, काउंटिंग ऐसी होती है कि ये आपने मुझे सभी वोट दे दी, मैंने ये रखी, ये मैं इधर रखूंगा, ये तो किसी मेरे विरोधी के खिलाफ है, विरोधी के पक्ष में, ये मैं इधर रख दूंगा, इसको चलो मैं इधर रख दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, बाद में गिनूंगा, गिन के अभी अनाउंस ही नहीं किया था कि 16-12 ही कहा था, उसके बाद ये अनाउंस करता कि फलां फलां मेयर बने हैं, उनकी कुर्सी कौन सा कॉर्नर में लगी हुई थी, जहां उनकी सीट होगी वो बीच में से उठ के आता, ऐसे ऐसे मेज थपथपाया जाता, हमने भी स्पीकर चुनते हुए देखे हैं। फिर वो उसको बिठाने आते हैं सभी पार्टियों के नेता, ये तो यहीं लेके खड़े थे, जैसे 16-12 कहा वो आए, इसने खुद ही कहा जा 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 जा, बैठे बैठे बैठे, ये इलेक्शन है यार, हद है। तुम लोगों को भी चिंता करनी चाहिए भाई, तुम लोगों को भी डिबेट करनी चाहिए इस पे कि 36 वोट गिनने में अगर बीजेपी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है, तो 90 करोड़ वोट गिनने में क्या क्या नहीं कर सकते। कितने पॉइंट थे, कोई मोबाइल फोन अंदर नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था, और काउंटिंग एजेंट के सिग्नेचर के बिना ये नहीं दिखा सकते, कैसे पता चलेगा जो इन्होंने 8 कैंसिल किए हैं, दिखाते कि जी ये इंक यहां भी है, जाए ये बीच में लग गया स्टंप, स्टैंप जो है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये छुपाने वाली बात क्या थी। अगर किसी ने गलत डाला तो उसको
दिखाना तो चाहिए था दोनों पार्टियों को, एजेंटों को, क्या एजेंट के बिना हो जाया करेगी इस बार फिर तो? फिर ऐसे है फिर तो 24 में छोड़ दें, उम्मीद ही छोड़ दें, ईवीएम इनके घरों से मिलती है। बेल्ट पेपर को अनिल मसीह लूट लेते हैं, इन पर पर्चा होना चाहिए देशद्रोही का। कैसे हाथ कांप रहे हैं, और पिछली बार वीडियो दिखाना जब इधर देखते हैं कि मैंने काम कर दिया, पहले बार ये देखेंगे, ये अभी ना इंकमार करके देखेंगे इधर। ये कौन होते हैं ऐसे सीक्रेट बेल्ट को देखने वाले एजेंटों के बिना? ये कर दिया, ये बस इसी में खेला है सारा। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।